कान्हा श्री कृष्णा गोपाल घनश्याम बाल मुकुंद गोपी मनोहर श्याम गोविंद मुरारी मुरलीधर जाने कितने सुहाने नामों से पुकारे जाने वाले ये खूबसूरत देव दिलों के बेहद करीब लगते हैं। इनकी पूजा का ढंग भी उनकी तरह ही निराला है। आइए जानें कैसे करें श्री कृष्ण की पूजा। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए। भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं, इसके बाद धूप दिखाएं, अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत यानी चावल भी तिलक पर लगाएं। माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीतल के पत्ते पर लेते हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और न का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता या करती हूँ, वे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए।